हेलो डियर, शुरू करते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन को। कुमाऊं यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। स्पीयर के क्वेश्चन जो आपको पेपरों में कहीं भी यूनिवर्सिटी है, कोई कुमाऊं यूनिवर्सिटी कोई लक के यूनिवर्सिटी नहीं आई, कितनी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन आपके पास। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीयर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस। कोई एक स्पीयर है, उसका रेडियस क्या है, कॉन्स्टेंट है, और वह स्पीयर पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड कट द एक्सिस ए बी सी। कोई एक स्पीयर है, ओरिजिन को पास कर रहा है और क्या कर रहा है, एक्सिस को, ए एक्सिस को, बी एक्सिस को, सी एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए एक्सिस से, बी एक्सिस से, सी एक्सिस से भी पास हो रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन ए बी सी। अब मेरे को क्या निकालना है, चलो बाद में बात करते हैं इसकी। तो और कभी कभी मेरे से ऐसा कर सकता है ना, ये देखो क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है, ये प्रूफ दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी, इतना प्रूफ करो, ऐसा भी कह सकता है, ठीक है ना, क्लियर है, या तो ऐसा या फिर ऐसा। समझ में आया होगा क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से। कभी ऐसा भी कह सकता है कि भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ऐसा कह रहा है, या फिर क्या कह रहा है, प्रूफ करो कह रहा है। अब सुनो फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं समझाता हूँ तुमको आखिरकार है क्या। देखो कोई एक स्पीयर है आर रेडियस का, कोई एक स्पीयर है, कॉन्स्टेंट रेडियस क्या है उसकी, आर है। आपके पास कोई एक स्पीयर है, गिवन स्पीयर। स्पीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है माय डियर, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये तो तुम जानते हो, ये जो स्पीयर है इसकी जो, अब ध्यान से देखेंगे, जो ये स्पीयर है पासिस थ्रू द ओरिजिन कह रहा है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या, इसको स्पीयर ही कह दिया, स्पीयर ए पासिस थ्रू। एक बार क्वेश्चन को समझ ही लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। देखो कोई एक स्पीयर आपके पास पासिस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, और फिर क्या कर रहा है, कट द एक्सिस। यह स्पीयर ए एक्सिस पर कट कर रहा है, बी एक्सिस पर कट कर रहा है, सी एक्सिस पर कट कर रहा है। अब देखो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स जीरो कॉमा जीरो, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो वाई जीरो, जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो जीरो जेड, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी मेरे पास क्या कह रहा है, क्या एक्सिस कह रहा है, ए बी सी एक्सिस कह रहा है, ए बी सी एक्सिस कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, ए एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना, ए जीरो जीरो, बी एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना, जीरो बी जीरो, सी एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना, जीरो जीरो सी, क्लियर है ना। अब सुनो फिर, कोई एक स्पीयर है पासिस थ्रू द ओरिजिन कर रहा है, और किस किस एक्सिस को कट कर रहा है, जिस जिस एक्सिस को कट कर रहा है वहां से भी पास कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये स्पीयर ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो से भी पास कर रहा है, जीरो बी कॉमा जीरो से भी पास कर रहा है, फिर क्या, जीरो जीरो सी से भी पास कर रहा है, इतना ठीक है ना। अब कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ। अब देखो ओ से किसी प्लेन ए बी सी, यहां ये ए बी सी पर एक प्लेन है, बोलिए ऐसे करके ए बी सी पर एक प्लेन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, देखें फाइंड द लोकस, लोकस का मतलब बिंदु पथ, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो पर ध्यान से सुनना फिर, हाँ मेरे पास को ए ओ को मैंने यहां बोल दिया ये, ठीक हो, देखो ये ए बी सी पर एक प्लेन है, इस प्लेन से, इस प्लेन के देखो मतलब ओरिजिन से एक मैंने परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन पर, देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाला प्लेन पर, तो इसका तो मेरे को ना यहां पर को देखो, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहां पर का जो लोकस आएगा ना वो निकालना है। एक बार क्वेश्चन को देखो, न्याय बात समझ में, क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस, लोकस निकालना है ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस टू द प्लेन, जो प्लेन पर फुट होगा, प्लेन पर उसका जो पांव होगा उसका बिंदु पथ निकालना है, उसका लोकस निकालना है, न्याय बात समझ में। ओ से, ओरिजिन से जो प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला होगा, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द प्लेन एबीसी, जो ओ से एबीसी पर जो परपेंडिकुलर डाला है, तो इस प्लेन पर जो ये फुट है ना, ये वाला, ये ओ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओ से ये परपेंडिकुलर ये पड़ा ना, तो इस पॉइंट का लोकस मुझे क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है या फिर निकालना है मुझे, इतनी बात आई नहीं समझ में। जो स्पीयर है आपके पास, क्यों अंकित, तो स्पीयर जो है,
चलो ये फिगर तो समझने के लिए बनाना है, ये कोई फिगर समझने के लिए है बस, हो गया। हाँ तो क्या इस पे पासेस थ्रू 0,0 a,0 पता चल गया होगा तुमको, 0b0 और 0c। तो डियर तो इसका मतलब आपके पास देखो इस पे 0,0,0 से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, तो ऑब्वियस सी बात होगी डी की जगह क्या आ गया फिर आपके पास 0 आ गया। यह स्पेयर इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब क्या, इसकी जगह तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये जीरो और यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2ua बराबर कितना आ गया डी, डी बचा, डी की जगह यहाँ से जीरो तो ये कितना हो गया जीरो। तो आपके पास जो भैया ये यू आया वो कितना आया, अब देखिए यहाँ पर से ये माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2a गया तो बच गया फिर आपके पास कितना माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2a, तो इससे ये गया तो आपके पास जो यहाँ पर से यू आया वो ये यू आया वो कितना आया फिर माइनस ए अपॉन 2। ऐसे ही भैया ये u इतना आया है, ऐसे ही पास करेगा 0b0 से अगले से पास करेगा, इतना नोट करोगे तो पहले इतना नोट करो फिर बताता हूँ आगे को। तो डियर ऐसे सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन बहुत बनाए भी हैं, तो ऐसे v आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2, ऐसे जो आपके पास यू बी डब्ल्यू जो आएगा वो माइनस सी अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ, तो इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा ये बहुत बढ़िया, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर जो आएगा वो क्या आ जाएगा फिर आपके पास टोटल इक्वेशन ऑफ स्पेयर जो आया वो आया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2ux का मतलब कितना आ जाएगा फिर आपके पास देखो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, डी तो जीरो है बराबर जीरो। तो जो सुनो फिर इसके जो सेंटर आए ना माय डियर, जो सेंटर आए वो कितने आए जीरो बी ये ए अपॉन टू, जो सेंटर आए वो कितने आए, ये बस ये सेंटर की तो मेरे को कोई जरूरत नहीं सिर्फ रेडियस ही रेडियस निकालो, तो रेडियस जो आए वो कितना आए फिर आपके पास आर बराबर अंडर रूट क्या नहीं अब सेंटर तो निकाल ही लो यार, सेंटर की तो जरूरत पड़ने वाली थी मेरे को, सेंटर जो आए माय डियर वो कितने आए ए अपॉन टू बी अपॉन टू और सी अपॉन टू, क्यों ऐसा तो होता ना, अरे यार हाँ अब जो रेडियस जो होगा वो क्या होगा फिर आपके पास रेडियस आर बराबर वो कितना हो जाएगा अंडर रूट यू का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर प्लस यू भी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी, डी तो है नहीं तो आपके पास जो ये रेडियस हो जाएगा और रेडियस आर क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट है दिया है ना उसने, तो यहां से ये इसका स्क्वायर इधर हो गया ये 4 हो गया, तो सुनो ये स्क्वायर हो गया 4 कॉमन आया 4 इधर गया तो कितना 4r स्क्वायर बराबर कितना a का स्क्वायर b का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर, नहीं आया बात समझ में क्लियर है ना, तो भी इतना लिखो। अब क्वेश्चन में आ जाओ फिर, अब ध्यान से अपने क्वेश्चन में जो आपने नोट किया होगा उस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना। फाइंड द लोकस ऑफ, देखो इसको इस चित्र में चले जाओ ध्यान से सुनना, देखो ये चित्र समझने के लिए, ये चित्र कोई वो नहीं है भैया, ये चित्र समझने के लिए खाली बस हो गया, ये कोई स्पेयर था यहाँ पर कोई एक प्लेन हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या है a,0,0 ये कितना हो गया 0b0 और ये कितना हो जाएगा 0c, ये मेरे पास क्या हो गया ओरिजिन से, अब ये ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और तुम मेरे को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो प्लेन पर फुट गया है ना इसका लोकस निकालना है, तो सुनो फिर ये O हो गया ये P हो गया तो ये OP है ना ये एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, तो क्या आपके पास देखो सुनो, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो जो इक्वेशन यहां से प्लेन आएगा प्लेन ABC तो जो प्लेन आएगा क्या अभी इंटरसेप्टिव फॉर्म का प्लेन आएगा, एक्स पर ए काट रहा है प्लस वाई पर बी काट रहा है प्लस जेड पर सी काट रहा है बराबर वन आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म का प्लेन आएगा कि नहीं आएगा, इतना बात आया। अगर प्लेन इंटरसेप्ट का आया तो जो सुनो फिर इक्वेशन ऑफ ये एक लाइन बन रही ना ओपी, इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी क्या आ जाएगा फिर, अब जो ओपी लाइन का इक्वेशन क्या होगा आपके पास स्पेस की लाइन है तो आपको एक पॉइंट चाहिए और DRS चाहिए, तो DRS क्या होते हैं आपके पास पॉइंट, तो आपके पास 0,0 फिक्स है तो क्या हो गया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 सब चीज जीरो हो गए। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्लेन के जो कोफिशियंट होते हैं जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कोई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है जो प्लेन के
कोफिशियंट होते हैं इस लाइन के क्या होते हैं, डीआरएस होते हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो प्लेन के जो कोफिशियंट है वो डीआरएस है, प्लेन के कोफिशियंट मेरे पास कितना है, 1/a, 1/b और फिर कितना 1/c बराबर कितना कह दिया के से, आई नहीं बात समझ में, तो इतना नोट करो फिर डियर। तो डियर लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी बराबर कितना हो गया इतना। तो अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं इसको मिटा रहा हूं, हाँ मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन ओपी इज, अब देखो ओपी के जो जनरल पॉइंट होंगे क्या मेरे पास ऐसे होंगे कि नहीं, k/b, k/a, k/b और फिर कितना k/c, ये दो होने की है, आने बात समझ में, तो इतना भी नोट करो। अब सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज कही थी ओपी के जनरल पॉइंट वो हैं, तो इसका मतलब ओपी का हर एक पॉइंट वैसा ही होगा, पर के की वैल्यू डिफरेंट होगी कि नहीं। अब मैंने कह दिया लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी इज, मैंने कह दिया मान लीजिए पी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और पी को मैंने दर्शा दिया किससे, x1 y1 z1 से, क्या मेरे पास, सुनो देखो क्या मेरे पास x1 बराबर k/a, y1 बराबर k/b, z1 बराबर k/c होगा कि नहीं होगा, क्योंकि OP का हर एक पॉइंट k/a इस रूप का है, पर k की वैल्यू डिफरेंट है, ये बात को समझना। तो यहां P को मैंने क्या बोल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको x1 y1 z1 बोल दिया, तो किस x1 को मैं, जो x1 y1 z1 को, x1 को ये बोल दिया, y1 को नहीं, आया बात समझ में इतनी, इतने तो हमको आती है, इतने तो क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो अब भैया हम यहां पर को भी पहुंच गए, अब सुनो फिर, अब चलो फिर इसको नोट करना, अब मुझे प्रूफ क्या करना था, एक बार मैं और क्वेश्चन में जाता हूं, मुझे प्रूफ क्या करना था, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू स्पीयर इज, हमने कितना निकालना था, इतना निकालना था। चलो फिर सुनो फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, चलो फिर लिखना फिर इतना, तो डियर यहां पर से जो आपके पास ए आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा k/x1, जो बी आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा k/y1 और सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा k/z1। और एक चीज तो तुम बहुत अच्छी सी चीज जानते होगे, क्या जानते होगे, एक बार बात को ध्यान से देखना, जो रेडियस आई थी आपके पास वो r² 4r² बराबर कितना आया था, एक बार देखोगे और एक पाओगे तुम कितना था, ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था और फिर कितना था, सी का स्क्वायर था, ऐसा ही था कि नहीं, ऐसा ही था, क्या था रेडियस जो आया था वो आया था, हाँ यस। अब चलो फिर इसमें वैल्यू रखूंगा, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास ध्यान से देखोगे क्या k² कॉमन आ गया, क्या 1/x1 का स्क्वायर हो गया, क्या 1/y1 का स्क्वायर हो गया, क्या 1/z1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अरे भैया के स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या मेरे पास 4r² बराबर कितना k का स्क्वायर, यहां पर से क्या x1 का पावर -2 हो गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा y1 का पावर -2 हो गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा z1 का पावर -2 आ जाएगा। मैं लगभग लगभग अपने आंसर के बगल में पहुंच रहा हूं, परंतु अब मुझे k की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। अब ये k की वैल्यू कहां पर से आएगी, ध्यान से सुनना फिर, अब ठीक है ना, अब देखो फिर ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन थी क्या थी, x/a बराबर y/1/b बराबर z/1/c बराबर कितना था, k था, क्लियर है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर, तो डियर आपके पास वैल्यू आ गया इतना, तो आप ध्यान से सुनो k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू यहीं से आने वाली है, ठीक है ना, तो सुनो फिर आप ध्यान से सुनो, मैंने ना x ऊपर यहां भी इंटू कर दिया, x यहां भी इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, y यहां भी इंटू कर दिया और मैंने क्या y इंटू यहां भी कर दिया, फिर मैंने z यहां भी इंटू कर दिया, फिर मैंने z यहां भी इंटू कर दिया, बराबर कितना आ जाएगा k। अब मेरी बात को एक भी चीज को सुनना, ध्यान से सुनना, सुनो अगर मान लिया जाए, देखना 1/2 है ना बराबर 2/4 है ना बराबर 2 3/6 है ना, इन सब एक ही बराबर ही तो है ना, 1/2 1/2 1/2 ना, अगर मैं मान ले जाए ना इनके ऊपर का सम करता हूँ 3 4 5 1 6 6/2 कितना आता है 12 आता है, तो ये भी 1/2 आता है, आई नहीं बात समझ में, अगर ये सब के बराबर है ना, तो मेरे पास ना 100% ये ऐसा आएगा x² + y² + z² = x / a +
y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना हो गया, k हो गया। आई नहीं बात समझ में। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो बहुत ही अच्छा था, ये अच्छा क्या था, ये एक था, था कि नहीं था। दिस इज द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द के। सो नाउ वी गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सो वी गेट वैल्यू ऑफ के दिस। नाउ वी विल वी पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन। सो वी गेट अवर आंसर एंड तो लिख देना फिर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर वन। सो वी फोर आर स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर, मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वन माइनस टू, फिर प्लस वाई वन की पावर माइनस टू, जेड वन की पावर माइनस टू। तो आपने भैया यही क्या करना था, प्रूफ करना था, और क्वेश्चन में भी ये हमने प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैंने लिखाया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो पेपर में आएगा, इसको आप वैसे वैसे लिख के आना। आपको नंबर देने वाला 10 नंबर का तो आएगा ही, 10 नंबर तो देगा ही, प्लस आत्मा आशीर्वाद भी देगा, ठीक है ना डियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और साथ में ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।